हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। तो बेसिकली आज का वीडियो रेविट पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने थर्ड पार्ट में आप लोगों को ब्रिक वॉल बनाते कैसे है वो मैंने बेसिक सेटअप आपको बताया था और मटेरियल भी अप्लाई करना बताया। तो आज हम प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने से पहले एक बार हम फिर से लेवल वगैरह हम सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो लेवल सेटिंग करने के लिए फॉर्मूला मेरा क्या था, U1। U1 जब आप प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सामने टाइम लग रहा है, एक सेकंड में दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा ये सारे सेटअप मैंने बता चुका है वन बाय वन पार्ट करके, तो आप लोग वहां जाके पहले देख लीजिए। U1 एंटर किया तो हम इंच फिट में, ऑलरेडी इंच फिट में हमारा सेट किया हुआ, राइट। तो इंच फिट में हम काम करने वाले हैं तो इंच फिट में ही रखेंगे, ठीक है। तो हम कर देंगे ओके, राइट। ओके करने के बाद हमारा क्या आएगा, लेवल सेटिंग। लेवल सेटिंग में हम शॉर्ट एलिवेशन में जाएंगे। देखो एलिवेशन बिल्डिंग एलिवेशन यहाँ पे लिखा मिल जाएगा आपको। ये माइनस को अगर ऐसे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज इसके अंदर रह जाए, मतलब एक होता ना कि मतलब ये मेन मेन फोल्डर हो गया, मेन फोल्डर के नीचे ये सारा चीज है हमारा, मतलब ठीक है। उसके बाद इसको हम क्लिक करते हैं तो ये ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट हमारा रहता है। तो हम साउथ पे जाके डबल क्लिक किया तो हमारा लेवल आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली बेसिकली हमारा लेवल सेट किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली लेवल सेट करके दे देता है। फ्लोर फिनिश 10 फीट हमारा ये ऑटोमेटिकली लेवल सेट करके दे देता है। लेकिन हमें रोड लेवल होता है तो उससे पहले हम क्या ग्राउंड बीम या प्लेन बीम हम प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए ऑफसेट हम दे देंगे नीचे। और लेवल क्रिएट कैसे करते हैं, लेवल का नाम कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज मैंने डिटेल से बात की है। जिन व्यूअर्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले उस वीडियो को देखिए फिर आगे देखिएगा, क्योंकि हम व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। बेसिकली हम ये मेरा मेन मोटिव जो वीडियो बनाने को होता है कि नहीं, एक सिखाने के पर्पज से होता है यार। जब तक आप सीखोगे तभी तो कुछ हो पाएगा, इसलिए आप पहले उस वीडियो का जाके देखिए। हमें व्यूज की परवाह नहीं होती, पहले उन वीडियो को आप जाके देखिए, कंप्लीट देखिए, फिर आके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगी सारी चीजें कि मतलब कौन सी पार्ट क्या है, टूल्स पार्ट किसको कहते हैं, लेवल क्या है, शॉर्ट एलिवेशन, ये सारी चीज हम डिटेल से बात की है, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे लेवल पे पहुंच गए। लेवल देखो एक आपको यहाँ पर लेवल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस या तो आप इसको डबल क्लिक इसको क्लिक करके आप लेवल क्रिएट कर सकते हो, या तो एल एल आप कीबोर्ड बोर्ड में तो आप जो बोर्ड में आप एल एल प्रेस करोगे तो आपको दे देंगे, ठीक है। तो हम सिंपली हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमारा थोड़ा सा स्लो है, देखो ये है। अब हम क्या करेंगे, ऑफसेट कितना हम रोड लेवल से कितना प्लेन बीम उठाएंगे। सपोज मैं 3 फीट उठा लेता हूँ, तकरीबन मैं 3 फीट तीन हाँ तकरीबन 3 फीट नहीं 2 फीट हम उठा के चलते हैं, राइट। या 3 ही फीट, मतलब वो आपकी मर्जी है आप कितना उठाना चाहते हैं रोड लेवल से, ठीक है। तो हम 3 फीट कर देते हैं, राइट। 3 फीट किया और इस वाले से हमें क्या करना था, ये पीक लाइन ले लेते हैं और 3 फीट मैंने ऑफसेट दे रखा है, इसको क्लिक कर दो आप, राइट। क्लिक करने के बाद आपका ये माइनस में चला गया, राइट, माइनस में। लेकिन हमें करना था क्या, प्लस में, ठीक है। कैसे प्लस में होगा, तो इस तरह आपको माइनस नहीं, हम इसलिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि आप इनके साथ अगर ऑफसेट लोगे तो वो माइनस में चले जाएगा, माइनस में। तो हमें क्या, बिल्कुल जीरो लेवल से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे हम नेचुरल ग्राउंड लेवल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल से ही उठती है, या तो रोड लेवल हम पकड़ते हैं, रोड लेवल से हम अपने बिल्डिंग को कितना उठानी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह नहीं करेंगे, इसलिए मैं बेसिकली करके दिखाया इस तरह, तो आपको शो हो जाएगा -3 फीट, राइट। ऐसे नहीं कर, इसको क्लिक करेंगे और हम डिलीट कर देंगे, राइट। डिलीट का बटन आपके कीबोर्ड में होगा, तो मैं डिलीट कर दिया, डिलीट का ऑप्शन, या ऐसे डिलीट नहीं होगा, ओके कर सकते हो। तो ये हमारा डिलीट हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, ऑप्शन, ठीक है। फिर आप एल एल प्रेस करो, या तो आप उस वाले में जा सकते हो, ठीक है। हम 3 फीट ले लेते हैं, 3 फीट, राइट, फिर से, और मैं कर लूंगा पिक लाइन, ठीक है। तो इस बार हम क्या करना, अप करेंगे, राइट। तो ये हो गया मेरा लेवल, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला तो हमारा जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ, तो ये यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, क्या हो गया, ये वाला पार्ट प्लेन बीम हो गया। अभी मैं दिखाता हूं आपको,
ठीक है। और कमांड से बाहर जाने के लिए डबल स्किप कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको एरर्स आएंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद एनोटेट में जाएंगे और डायमेंशन चेक करेंगे। एक बार आपको डायमेंशन चेक करके दिखाता हूँ, राइट, डायमेंशन चेक कर लेते हैं, डायमेंशन इस वाले पार्ट, ठीक है। ये वाला डायमेंशन, ये वाला हम लाइन ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये 3 फीट जो शो हो रहा है मेरा, देखो इस वाले लेवल, नीचे वाले 0 लेवल से ये कितना उठ रहा है, ये टॉप लेवल, ये प्लेन बीम की टॉप लेवल हो गया। तो इस जगह, इस वाले पोजीशन से हमारा क्या होगा, अब ग्राउंड लेवल स्टार्ट होगा। अब ये दिखाता हूँ, तो ये टोटल 7 फीट, लेकिन 7 फीट हमें नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 10 फीट चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने टोटल हमारा ये लेवल सेट करके जो दिया था 10 फीट, जिसमें कि 3 फीट मैंने फ्लोर उठाया, लेकिन हमें फ्लोर फिनिश 10 फीट तो चाहिए इसीलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन को, ये तो 0 लेवल है, ये 3 फीट ही रहेगा, बस इसको हम 13 कर देंगे, राइट, कितना करेंगे, 13 कर देंगे, 13 फीट, ओके। तो अब देखो आपका, अब फिर से हम डायमेंशन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्लिक किया और फिर इसको जाके डन क्लिक किया, देखो 10 फीट हो गया। अब फ्लोर फिनिश 10 हुआ, ये तो हमारे नीचे की बेस हो गया, बिल्डिंग के नीचे जो हम प्लेन बीम प्रोवाइड करते हैं या रोड लेवल से जो भी ब्रिक वर्क हो के हम उठाते हैं, फिर डीपीसी करते हैं, ये प्रोसीजर के हिसाब से, ठीक है। तो आपने समझ गया होगा लेवल। अब लेवल का नेम हम चेंज कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। इसको डबल, देखो अभी भी हम कमांड में तो डबल स्केप करेंगे 2 बार, ठीक है। डबल स्केप करने से आप इसको 2 बार क्लिक करना इस पे जाने के बाद, और इस तरह अगर हो जाए तो इस, ये देखो आपको ये एक पॉइंट सा बना हुआ है, यहाँ पे कर्सर ले जाके इस पे दे जाना, और माउस में जो हमारा लेफ्ट फिंगर है, लेफ्ट की तरफ जो फिंगर है, इसको प्रेस करके ऊपर सीधा करना आप, ठीक है, सीधा करना और छोड़ देना, तो फिर उसी स्थिति में आ जाओगा, ठीक है। फिर इसको डबल क्लिक किया और नेम चेंज कर देंगे, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, यस करेंगे हम। फिर यहां पे अब हमारा ग्राउंड फ्लोर के बाद जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर, राइट, देख लिया। फिर हम मैंने क्या किया, यस किया, राइट, यस कर दिया, ओके। अब देखो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, मैं जनरली दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ कि जो न्यू व्यूअर्स है उनको भी समझ में आ जाए और जो पुराना व्यूअर्स है उसको दोबारा सीखने को मिल जाएगा, राइट। अब देखो क्या हुआ, ये फ्लोर फिनिश 10 फीट, ये तो हमारा 0 लेवल है, 0 लेवल से या तो आप यहाँ प्लिन बीम लिख सकते हो अथवा नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन हम लिख देते हैं, ठीक है, लेवल प्लिंथ बीम, प्लिन बीम कहां से स्टार्ट हो रही, 0 से स्टार्ट हो रही, राइट, प्लिंथ बीम, प्लेन बीम मैंने कर दिया, ठीक है। फिर यस किया, ठीक है, यस करने के बाद अब मैं लेवल मैंने कंप्लीट क्रिएट कर लिया। अब चार एक ने इस वाले पोजीशन में नहीं रहे, प्लेन बीम थोड़ा अलग ही रहे, और लेवल लेवल आप चाहो तो यहां से लेवल और भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे ग्राउंड फ्लोर के पास सील लेवल होता है 3 फीट पे, ठीक है, वो भी क्रिएट कर ले या नहीं भी करो, फिर आप लिंटर लेवल भी क्रिएट कर सकते हो। तो जितना लेवल आप क्रिएट करोगे ना तो उतना इजी होता काम करना, लेकिन हम बेसिकली इस टाइप से हम काम करेंगे, ठीक है। आप देखो इसको हम थोड़ा आगे की तरफ ले जाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक लॉक सा बनाया रहेगा, इसको लॉक को क्लिक करना है, और फिर देन देखो यहाँ पे एक पॉइंट सा बनाए, फिर हम लेफ्ट फिंगर को माउस में प्रेस करके आगे तरफ खींच खींच के ले जाएंगे, राइट, एक्चुअली नहीं हुआ क्लिक, राइट, देखो इसको अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद देखो इसको हम ड्रैग करके खींच के ले जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये अब हमारा प्लिन बीम इस वाले लेवल पे दिखेगा, राइट, ये इस वाले लेवल से दिखना शुरू हो गया, ठीक है। चलते हैं, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब बेसिकली क्या करना है हमें, ग्राउंड, ये जो हमारा है ये सारा चीज मैंने पहले ही बता दिया था, हम ग्राउंड फ्लोर से काम करेंगे, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर से काम करेंगे, बाकी चीज हम प्लिन बीम का हम बाद में काम करेंगे, हम आपको बता देंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमें आज प्लान क्रिएट करना है। तो प्लान कैसे क्रिएट करना है, पहले या तो दो 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 तरह की वॉल हो सकती है, एक 9 इंचेस की हो सकती है, एक 4.5 इंचेस की हो सकती है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं।
ठीक है। तो 9 इंचेस की वॉल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना, WA कीबोर्ड में प्रेस करना, ठीक है। या आप आर्किटेक्ट में जाओगे तो आपको इसको क्लिक किए, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखो आपको यन कनेक्टेड आएगा, यन कनेक्टेड। तो आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोर फिनिश हाइट कितना, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे काम होगा हमारा, लेकिन क्या करेंगे हम, यन कनेक्टेड, यन कनेक्टेड में आप 10 फिट कर देना, तो आपका 10 फिट फ्लोर फिनिश 10 फिट होगा, राइट। या आप ग्राउंड फ्लोर से भी काम कर सकते हो तो आपका 10 फिट का ही होगा, राइट। ठीक है, मैंने ये अनकनेक्टेड कर दिया। अब वॉल चाहिए तो आर्किटेक्ट को क्लिक करना, फिर वॉल को प्रेस करना। इसमें वॉल को प्रेस करने के बाद बेसिकली आपको देखो प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे 8 इंचेस के वॉल आ चुका है, और इस वॉल में क्या ध्यान देनी है ये भी आप समझ लीजिए पूरी तरह से। ये जेनरिक मॉडल है तो जेनरिक का ही वॉल लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत तरह की वॉल आपको दिखेंगी, इंटीरियर पार्टीशन, ठीक है। ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, ये कंक्रीट की है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन आपको लेनी है जेनरिक। जेनरिक में कैसे, ठीक है, स्केप करना अगर इस तरह हो जाए तो, ठीक है, फिर वापस कमांड में, ठीक है। तो 8 इंची की वॉल को हम एडिट टाइप कर लेंगे, एडिट टाइप, एडिट टाइप किया, ये चीज भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में क्या लिखें, ब्रिक वॉल 9 इंचेस, सॉरी BRIC, ब्रिक वॉल वॉल 9 इंचेस लिख दिया। लेकिन ये लिखने से नहीं हुआ, ये सिर्फ नेम चेंज हुआ हमारा। अब क्या करेंगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा एडिट स्ट्रक्चर के साथ, ये जाओगे यहाँ पे वैल्यू के नीचे एडिट एडिट देखने को मिलेगा, आप इसको क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो 8 इंची है, यहाँ पे मेनली चेंज करने 9 इंचेस की, 9 इंचेस मैंने कर दिया, ठीक है। अब कैटेगरीज में जाएंगे, कैटेगरीज तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी मैं एक कैटेगरीज इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपर ब्रिक जैसा आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जो ब्रिक वॉल हमारा यूज होता है वो चीज मैं दिखाऊंगा, राइट। अब मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब करने के बाद यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, इसको आप क्लिक कीजिएगा, फिर क्लिक करते आपके नीचे क्रिएट न्यू मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल पे जाओगे तो आप क्या करना, आप कोई भी वॉल ले लेना, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास अभी मटेरियल नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक चीज आपको यहां से भी मिल जाएगा जब आप सर्च में जाओगे, ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल, अब ब्रिक वॉल गए नहीं है, ठीक है। बेसिकली आप कुछ भी ले लेना वॉल बनाना, ठीक है, मैं बता दूं। हाँ आ गया था ब्रिक, मिल जाता जनरली, मिल जाएंगे आपको। देखो ब्रिक कॉमन है, हम यही वाला हम ले लेते हैं अभी, ठीक है, मटेरियल, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। रेविट सिटी से कैसे डाउनलोड होता है वो सारी चीज हम बताएंगे आपको, ब्रिक कॉमन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप ओके करूंगा, देन ओके करके क्या करूंगा, इसको ओके कर दूंगा, राइट, इसको फिर मैं ओके कर दूंगा। तो मेरा 9 इंचेस का एक वॉल मैंने क्रिएट किया। अब हमें और एक वॉल और हमें क्रिएट करना है, ठीक है, एक वॉल को और हमें क्रिएट करना है। तो कैसे करना है, तो फिर वही डब्ल्यू आर्किटेक्ट पे गए, वॉल में गए, क्लिक किया, फर्स्ट नंबर वॉल आर्किटेक्चर को क्लिक किया, देन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आने के बाद अब कोई भी 8 इंचेस की जो हमारा जेनरिक था ऐसे हम चूज कर लेंगे फिर से, ठीक है, या 5 इंचेस की जेनरिक है तो 5 इंचेस को क्लिक किया, देन एडिट टाइप पे गया। एडिट टाइप पे जाने के बाद फिर डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट कर देंगे। अब देखो डुप्लीकेट को क्लिक करेंगे और नेम चेंज कर लेंगे। अब लिख दो यहाँ पे ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल कितने, 4.5 इंचेस, ठीक, 4.5 इंचेस, देन ओके करेंगे, राइट। ओके करने के बाद हमारा क्या होगा, तो फिर हम एडिट में जाएंगे, वैल्यू के नीचे, फिर एडिट को क्लिक किया, मैंने यहाँ पे चेंज करना होता है, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। कैसे, फिर मैं कैसे करूंगा चेंज, ठीक है, तो 4.5 इंचेस लिख दिया, राइट। अब देन मैं ये कैटेगरीज में जाएंगे और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ब्रिक्स,
फिर ब्रेक ब्रेक है हमारा, एक बार में डुप्लीकेट बना ले, नेम बना ले, नहीं तो फिर दिक्कत होगी हमें। ठीक है, अब क्या नेम क्या बनाना है, राइट क्लिक करना है, रीनेम कर देना है इसका। रीनेम करने के बाद ब्रिक ब्रिक 4.5 इंचेस कुछ ऐसे दे दिया नाम। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब इसमें क्लिक किया, ठीक है, ये हमारा कारपेट है जनरली, तो इसको कैसे करना है, आप यहाँ पे जाना ग्राफिक में, अपेरेंस में गए, अपेरेंस में आप जाके इमेज को क्लिक कर देना। ठीक है, इमेज को क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपने कंप्यूटर में। ठीक है, मेरे पास है मटेरियल इसलिए, नहीं तो आप ये सिंपल कोई भी यहाँ से आप पुट कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ से हमें किस में जाना है, कौन सी फाइल में मैंने रखी है, शायद ई में मैंने रखी होगी, नहीं, उसके बाद नहीं, इसमें नहीं रखा मैंने, फिर बैक जाते हैं एक बार, शायद ई नहीं डी में होगा, डी में मंजर, ये रेविट है हमारा। ठीक है, रेविट फैमिली में जाएंगे। ठीक है, फैमिली में हम क्या लेंगे, टेक्चर लेंगे, टेक्चर लेंगे, टेक्चर में वॉल टेक्चर। ठीक है, वॉल टेक्चर में मैंने ब्रिक बहुत सारा ब्रिक बना रखा है, देखो ये सब मैंने रेविट सिटी से डाउनलोड किया था, आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है। जनरली मैं अभी ये कोई भी ब्रिक ले लेता जो हमारे एज पर साइट यूज होता है, ये ले लिया। ठीक है, ओपन मैंने क्लिक किया और मैं एक बार इसका इस पर डबल एक बार क्लिक किया ताकि थोड़ा मैं टेक्चर को बढ़ा दूं। ठीक है, उसमें भी 9 इंच के वॉल में भी यही वॉल हम लेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तकरीबन 1 फीट हम 3 फीट कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा टेक्सचर हमारा बड़ा दिख जाएगा, राइट, देन ओके करेंगे, देन ओके करते चले जाएं, ओके करते चलाएंगे। तो दो तरह की वॉल हमारा क्रिएट हो चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वॉल, वॉल कौन सा वॉल बनाना है। अब आपकी लिस्ट में दो तरह का, तो पहला मैं मेरा बाउंड्री वॉल बनेगा, मतलब साइड वाला जो एक्सटर्नल वॉल होता है हमारा 9 इंचेस की होती है, तो ठीक है 9 इंचेस को मैंने चूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और मुझे कितना चाहिए, और जो वर्क करेगा ये इनके थ्रू इनके बीच ही वर्क होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको जूम कर लिया और मैं कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद हमें कितना फीट चाहिए, सपोज मैं 30 फीट बाय हम 60 फीट का बनाना चाहते हैं। ठीक है, 30 30, और ये फीट करके आप इंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें ये हमारा बन रहा है वॉल सेंटर लाइन, लेकिन हमें क्या क्या चाहिए इसमें, इसके बारे में हम एक बार समझते हैं। ठीक है, डबल स्किप किए, कमांड से बाहर हो गए। ठीक है, कमांड से बाहर होने के बाद देखो ये क्या है, आप जूम आउट करोगे तो देखो ये बाहर बाहर की फेस से तो अभी है। ठीक है, तो इसको क्या कहें, वॉल लोकेशन, वॉल लोकेशन अगर इस तरह, तो हम किस लोकेशन में बनाना चाह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, आप देखो वॉल को क्लिक करते हैं, फिर से क्लिक करने के बाद देखो वॉल यहाँ पे बहुत तरह के वॉल, सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर और फिनिश फेस इंटीरियर, लेकिन हम कहाँ बाहर की काम कर रहे हैं तो फिनिश फेस एक्सटीरियर करेंगे। ठीक है, यही हमारा वॉल लोकेशन होता है। ठीक है, इसलिए जनरली मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा जब वॉल क्रिएट करेंगे साथ साथ आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, वॉल क्रिएट मतलब वॉल लोकेशन ये हमारा, तो जनरली वॉल सेंटर लाइन को हम देखेंगे, अब फिनिश फेस एक्सटीरियर, अब फिनिश फेस इंटीरियर। ठीक है, कोर वगैरह की यूज नहीं होता, वो सारी चीज कहाँ पे जनरली यूज होता है वो सारी चीज हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम वॉल सेंटर लाइन से, एक प्रकार के वॉल सेंटर लाइन होता हमारा ये। ठीक है, और दूसरी हमारा क्या होता है ये कोर, तो हम फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस एक्सटीरियर क्योंकि बार बार हमें फिनिश चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने क्लिक किया, राइट, फिनिश फेस एक्सटीरियर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लिक किया, देखो एकदम बाहर वाले फेस से ये बनना शुरू होगा हमारा वॉल। ठीक है, तो कितना फिट चाहिए हमें, 30 नहीं 60 चाहिए, मैंने 60 बोला था, 60 फीट करके आप इंटर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, इंटर प्रेस करने से आपका इस तरह हो गया, राइट।
अब हम क्या करेंगे, डबल स्केप फिर से करेंगे या एक सिंगल स्केप कीजिएगा। सिंगल स्केप के बाद ये होगा, अब मुझे कौन सा पोजीशन से चाहिए, इस वाले पोजीशन से चाहिए, ठीक है। अब यहां से क्लिक किया, देखो एकदम फिनिश फेस एक्सटीरियर ही ये कंप्लीट करते जाएगा। तो ये वाला हमारा कितना था, 60 था, 30 था, 30 फिट करके फिर इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब फिर क्या है, इस वाले फेस से हम पकड़ेंगे, देखो ठीक है, फिर क्लिक किए, फिर आगे के, फिर मेरा इधर कितना 60 है, 60 फीट मैंने किया, इंटर प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली देखो आपका ये मिल गया, ठीक है। अब देखो इसमें समस्या क्या है, इसीलिए मैंने ये वॉल लोकेशन इसीलिए बताया। अभी मैं तीन चीज, वॉल सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर और फिनिश फेस इंटीरियर वर्क, ठीक है। तो अब मैं डबल स्केप किया, फिर बाहर चला गया। अब मैं एक बार डायमेंशन नाप के देखते हैं, ठीक है। डायमेंशन नापने का तरीका क्या, एनोटेट पे जाएंगे और अलाइन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए बाहर टू बाहर, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, वन पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद इस पे क्लिक किया, नहीं हो रहा, चलो ये वाले डायमेंशन से ये किया, ठीक है। उसके बाद हम ये किए, ये देखो 30 फीट मेरा बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, कि ये वॉल लोकेशन है, अगर फिनिश फेस एक्सटीरियर मतलब 30 फीट बाय 7 फीट का अगर फिनिश टू फिनिश बनाओगे, तो फिनिश फेस एक्सटीरियर और फिनिश फेस इंटीरियर की हेल्प से करेंगे, लेकिन सेंटर टू सेंटर अगर बनाएंगे तो वॉल सेंटर लाइन से हम बनाएंगे, जो अभी मैंने बताया था। ये हो गया। अब दूसरी डायमेंशन हम कैसे नापेंगे, फिर से सिंगल स्केप करने से कमांड में रह जाओगे, ठीक है, और डबल स्केप करने से आप कमांड से हट जाओगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक किया और देखो ये हो गया, ये देखो 60 फीट। आप समझ गए मैं क्या बता रहा था, ठीक है। और मैंने ये बाहर वाली वॉल मैंने क्रिएट करके आप लोगों को बता दिया। अब इसको हम 3D में जाके देखते हैं। 3D में जाने का तरीका, इसको क्लिक किया, राइट, एकदम बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, जिस तरह एक बच्चे को बताया जाता है उसी तरह सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो मैं व्यूज के लिए नहीं हूँ, मैं जनरली, मेरा जो मेन मोटिव है यार, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर आप सीख नहीं पाओ, तो ये वीडियो किस काम की, नहीं समझे, ठीक है। इसलिए मैं जनरली बहुत ही अच्छा से बताता हूँ, ठीक है। आप लोग बने रहिए, ठीक है, हमारे चैनल पे, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। अब देखो क्या है, ये है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1/8 इंच, ये क्या है, स्केल्स है। ये सारी चीज हम बात करेंगे, लेकिन नहीं, एक ही बार अगर हम हर चीज पे बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं जीरो लेवल से, पहले मैंने यूनिट सेट करना सिखाया, उससे पहले बेसिक सेटअप करना सिखाया था, यूनिट लेवल, आज मैं वॉल क्रिएट करना पिछले वीडियो में भी बता दिया था, आज मैं प्रैक्टिकल, आराम से देखिएगा आप, क्योंकि सॉफ्टवेयर में लॉन्ग वीडियो बन ही जाता है, जब तक आप लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगा तो हम क्लियर आपको समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। आप इसको क्लियर करेंगे तो इसमें बहुत सारे पार्ट दिखे, तो वायर मतलब वायर फ्रेम, इसका ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है, तो वायर फ्रेम, हिडन लाइन और शेडेड और कंसिस्टेंसी कलर रेसिस्ट, लेकिन अभी हम शेडेड करके देखते हैं, शेडेड करके देखेंगे तो ये 9 इंची का ऐसी कलर लिया था ये, राइट, लेकिन ऐसी कलर हमें नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो, ऐसी कलर नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर ब्रिक चाहिए। तो आप ब्रिक डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए हाई क्वालिटी में और अपने फाइल में रख लीजिएगा, तो आप वहां से भी टेक्सचर लगा पाओगे, क्योंकि ये टेक्सचर है, कोई फैमिली नहीं है, फैमिली हम फैमिली वाले साइड से डाउनलोड करेंगे। सपोज मैं इसको क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं एडिट पे गया, एक को क्लिक किया, तो ऐसे प्रेस अगर करेंगे तो सारे वॉल मेरा एक साथ हो जाएगा, मतलब एक वॉल को क्लिक करेंगे, अगर सेम थिकनेस की वॉल है, अगर उसका डुप्लीकेट नहीं बनाया है, एक ही से बनाए हैं, तो कहने का मतलब वो सेम हमारा हो जाएगा, ठीक है। सेम होने के बाद हम क्या करें, फिर एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके आपको डुप्लीकेट नहीं करनी है, डुप्लीकेट ऑलरेडी हो चुकी, फिर एडिट में जाएंगे, कॉमन ब्रिक की जगह हम चेंज करेंगे, राइट, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम फिर डुप्लीकेट, इसका उस टाइम हम डुप्लीकेट नहीं बनाए थे, चूज किए थे, अब देखो रीनेम, ठीक है, 4 इंची 5 का वो बनाए थे, लेकिन 9 इंची का नहीं बनाए थे, तो रीनेम में दे देंगे ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल, राइट, ब्रिक वॉल ब्रैकेट डालना 9 इंचेस, राइट, 9 इंचेस मैंने कर दी। 9 इंचेस करने के बाद अब हम क्या जाएंगे,
ठीक है, इस पे गए और ये सपोज एक सेकेंड, मैंने अभी 9 इंचेस का वॉल बनाया, ये वाला ही है हमारा, ठीक है। अपेरेंस में जाएंगे, ग्राफिक्स में एक सेकेंड, अपेरेंस में नहीं, ठीक है। तो मैंने टेक्सचर तो बनाई थी, ठीक है, इसको क्लिक किया, ग्राफिक वॉल क्रिएट फिर से हम कर लेते, ठीक है। ये क्रिएट हो नहीं पाया, न्यू मटेरियल पे गए और राइट क्लिक करके रीनेम करते, ब्रिक ब्रिक 9 इंचेस, ब्रिक वॉल 9 इंचेस, 9 इंचेस कर दिया। अब इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, क्लोज, डुप्लीकेट 2 कर देते हैं, 1 ऑलरेडी बना था इसलिए नहीं लिया, ठीक है। अब आ गया हमारा, ठीक है। अब आने के बाद कुछ एरर हो अगर आए तो इस तरह कर लेना। फिर देखो ये वाला जो बॉक्स है हमारा, ठीक है, इस पे हम क्लिक कर देंगे सीधा, सिंपली क्लिक करने के बाद ब्रिक मैंने कौन सा लिया था, ये वाला ब्रिक लिया था, तो इसको करेंगे और देन ओपन करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे और हम टेक्सचर बढ़ा लेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम ले सकता है, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। वेट करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद ये 1 फीट हमारा, तो इसको 3 फीट कर लेंगे ताकि टेक्सचर वहां पे अच्छा से दिखे, राइट। अब क्या करेंगे, आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये अप्लाई कीजिएगा, जैसे जैसे मैंने किया, कोई फोल्डर में रख लीजिएगा, उस फोल्डर में जाके आप अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई कीजिए और देन ओके कीजिए, ठीक है। फिर हम ओके करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे। तो अब होगा क्या, आपको करके दिखाता, ये शेडेड में था, अब मैं रियलिस्टिक करके देखेंगे, शेडेड में इस तरह दिखेगा, रियलिस्टिक में हमारा इस तरह दिखेगा। देखो आप जूम आउट करोगे तो दिखेगा, तो थोड़ा टेक्सचर और इसका बढ़ाना पड़ेगा, बेसिकली यही रहने दो, कोई नहीं, हम अभी सीख रहे हैं, फिर मैं बाद में करके दिखाऊंगा, राइट। तो ये हमारा वॉल इस तरह क्रिएट हो गया 9 इंचेस की, ठीक है। अब जनरली हम फिर क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे, डबल क्लिक कर देंगे, फिर हम आ चुके हैं, ठीक है। हम किस में काम कर रहे हैं, रियलिस्टिक में कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा हिडन लाइन में करेंगे, क्योंकि इससे होगा क्या, स्मूथली आपका लैपटॉप चलेगा। अब हम बनाते हैं कमरा, ठीक है, इसको हम अब डिलीट कर देते हैं, सॉरी इसको डिलीट नहीं करेंगे, डायमेंशन को जो मैंने लिया था डिलीट करते हैं, ठीक है। डी इंटर भी करोगे तो डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये किए, अब हमें क्या करना है, वर्क करना है, वर्क करना है कैसे, 4.5 इंची का अंदर वॉल रहेगा, आर्किटेक्चर में जाइए या कीबोर्ड पे डब्ल्यू ए, हम डब्ल्यू ए प्रेस करके दिखाते हैं एक बार, डब्ल्यू ए प्रेस किया, अब ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर, अब फिनिश फेस इंटीरियर चाहिए हमें, ठीक है, ये फिनिश फेस इंटीरियर चाहिए, तो ये इंटीरियर ने सेंटर लाइन ले रहा है, तो फिनिश फेस एक्सटीरियर नहीं, कोर हो गया हमारा, एक्सटीरियर लेके देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, हमारा ये बाहर से पकड़ रहा है। तो जनरली आपको अगर इस तरह दिक्कत आए तो आप क्या करना, इस वॉल को क्लिक करना और चेंज कर लेंगे, ठीक है, डब्ल्यू ए किया, फिर से फिनिश फेस एक्सटेरियर इंटीरियर, ठीक है, ये ठीक है, ऐसे हम क्लिक करेंगे, कितने 12 फीट बाय 12 फीट की चाहिए हमें, ठीक है, 12 फीट बाय 12 फीट, एक तो ये तरीका है, या तो आप फिनिश फेस इंटीरियर आप इनका ऑफसेट भी करके बना सकते हो, ठीक है, हम दोनों तरीके से बताएंगे। अभी अभी मैं ले लिया तकरीबन ये सेंटर लाइन, ठीक है, ये 12 फीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पे, और यहां से एक सिमिलर वे में कितना है ये 14 फीट, हाँ 14 फीट का ले लेते हैं, साइज 14 फीट का, राइट, क्लिक किया डन, यहां पे क्लिक कर दिया, राइट। फिर क्या है, हम कमांड में है, फिर सेंटर लाइन से हम वॉल सेंटर लाइन, मतलब वॉल सेंटर लाइन से कर लेंगे, ठीक है,
वॉल सेंटर लाइन से, तो वॉल सेंटर लाइन परफेक्ट लेगा ये हमारा, ठीक है। आप सीखो प्रोसेस को, ठीक है। मतलब ये बेडरूम हमारा बन गया, ठीक है। अब हमें बेडरूम के बाद हमें क्या चीज की नीड होगी, एक मैं चाह रहा हूं कि ये बेडरूम है, जस्ट हमारा यहाँ पे एक किचन बन जाए, ठीक है। किचन बन जाए, यहाँ पे एक किचन सा बने, तो ये हमारा कितना है एक बार नाप के देख लेते हैं, ठीक है। यह हम सर्कल ले जाएंगे तो ऐसे भी पता चल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएंगे। एक सेकेंड, इस वाले वॉल को क्लिक करो तो आपको ये वाला चीज दिख रहा है, 14 फीट का काफी है, तो हम 7 फीट का हम इधर ऑफसेट निकालेंगे, ठीक है। 7 फीट का ऑफसेट निकालेंगे, WWA इंटर किया। अभी प्रोजेक्ट को सेव नहीं करें, आप लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार में सेव कर लूंगा। देखो यहाँ पे गए और यहाँ से कंप्लीट में कितना कितना फिट लेना चाह रहा हूँ, इस वाले से, सपोज मैं इस वाले से अभी ले रहा हूँ, ठीक है। 7.5 फुट छोड़ देता है इधर, या 6 फुट मैंने छोड़ दिया, ठीक है। 6 फुट छोड़ने के बाद एक मैं किचन ले लेता हूँ, लेकिन ये तकरीबन बहुत ही छोटा होगा, तो तकरीबन हम क्या करें क्या करें, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ से गेट हम 3 फीट का छोड़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 2 फीट और छोड़ देते हैं, सपोज में तकरीबन मैं 5 फुट छोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हम इधर कितने फुट ले लेंगे, 8 फुट ले लेते हैं, कितना 11 फुट, सपोज 10 फुट का, 11 फुट का ले लिया हम किचन, अभी जनरली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद देन इसको मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, ये मुझे लग रहा है कि 4.5 इंचेस की वॉल नहीं बनी हमारी, ये सारे वॉल 9 इंचेस की बन गई, तो तरीका क्या है। ये हमारा कितना 4.5 इंचेस की है देख लेते हैं, 9 इंचेस की भी ये बन गया, ठीक है। तो अब इकट्ठा इसको इसको सबको सिलेक्ट करो, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, अगर इस तरह हो जाए आपके 4.5 इंचेस के हो जाए, तो अब क्या करना, इसको क्लिक किया और यहाँ पे जाओगे और नीचे एरो पे क्लिक करना, ठीक है। करने पर 4.5 इंचेस को क्लिक कर देना, जनरली उसी ठीक का बन जाएगा। तो ये अब कैसे इसको सही करने का तरीका, एरो एरो को आप ऊपर की तरफ करना, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह हो गया तो स्पेस स्पेस बटन को क्लिक करना, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, आप इसको क्लिक करोगे तो उस तरफ हो जाएगा, राइट। लेकिन इसको करने का तरीका, आप डिलीट कीजिए इसको, ठीक है। डिलीट करने के बाद एक वॉल खींच लीजिए, WA कितने इंच के, 4.5 इंचेस के, ठीक है। वॉल सेंटर लाइन की हेल्प से फिर 9 इंचेस की हो रही है। अब हम क्या करेंगे, वॉल को क्लिक करके 4.5 इंचेस की वॉल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 4.5 इंचेस की वॉल कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा प्रॉपर तरीके से जा रहा है, राइट, क्लिक किया, अब देखो ये हो गया, राइट। ये हमारा किचन की सेटअप हो गया। अब हमारा इस ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये हम डाइनिंग एरिया ले लेंगे, ठीक है, ये हम डाइनिंग एरिया में ले लेंगे, ठीक है। इसको भी हम डाइनिंग एरिया इस वाले पोजीशन से, और यहाँ पे हम कुछ हिस्से में एक लिविंग एरिया ले लेंगे, ठीक है, मतलब इस हिसाब से, ठीक है। तो स्टेयर केस का भी हम देखेंगे कहाँ से लेनी है स्टेयर केस, ठीक है। आज हम वॉल वॉल देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका ऑफसेट और हम 10 फिट कर लेते हैं, ठीक है। WA इंटर किया और मैं ऑफसेट पे गया, ठीक है, ऑफसेट पे गया, और ऑफसेट हमें कितने का करना था, मैं 10 फुट और बढ़ा लेता हूँ, 10 फुट तकरीबन, 10 फुट नहीं 8 फुट कर लेते हैं, 8 फुट, ठीक है। 8 फुट करने के बाद ये हमारा हो गया। अब इस वॉल को एक्सटेंड कैसे करें, एक तरीका अभी इस तरीके से बताता हूँ, इस वाले पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे आके आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है, इस वाले पोजिशन से, ठीक है। अब 8 फुट ये है हमारा, ठीक है ना, ठीक है। और क्या करेंगे, या तो हम स्टेयर केस का जगह ये ले लेंगे, ठीक है, यू शेप में हमारा स्टेयर केस यहाँ से स्टार्ट करेंगे यू शेप में, ताकि ये वाला एरिया, तो और हम थोड़ा मूव कर लेंगे, मूव कर लेते हैं,
भी कर लो आप, मूव मूव मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इतना मैं मूव कर लेता। अब मेरा स्टरकेस आराम से चढ़ जाएगी इस वाले एरिया से, ठीक है। तो तकरीबन ये हमारा 3.5 फुट, 3.5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, वो ठीक ही था मेरे हिसाब से, वो ठीक था। 8 फुट हम रख लेते हैं, 3.5 फुट, 3.5 फुट की हमारा 7 फुट हो जाएगा, और 1 फुट, 7, 8 फुट, ठीक है, 8 फुट, 8 फुट में स्टेयर केस हमारा आराम से चढ़ जाएगी, राइट। तो हम स्टेयर केस चढ़ लेंगे। अब हम आगे की तरफ क्या करेंगे, एक हम कार पार्किंग करेंगे, एक कार पार्किंग बना देंगे, इधर हमारा गेस्ट और टॉयलेट इधर हो जाएगा, ठीक है, और कॉमन टॉयलेट हम इस तरफ बनाएंगे, ठीक है, कॉमन टॉयलेट हम इस तरफ बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाले किचन यहाँ पे, ये 2 बेडरूम हो गया, ये डाइनिंग एंड लिविंग एरिया हो गया, तो इसके लिए कॉमन टॉयलेट में यहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा किचन हो गया, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, थोड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये मेरा गेस्ट बेडरूम हो गया, जो बड़ा मैंने बेडरूम रखा है, ठीक है। और यहाँ से मेरा बाहर की तरफ से ये हमारा स्टेयर केस होगा, मेन एंट्रेंस आएंगे, और जिसको ऊपर जाना है तो इस वाले पोजिशन से हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जिसको इस वाले फ्लोर में जाना है तो यहाँ पे एक दरवाजा होगा, और इसके थ्रू से इसमें चले जाए। अब हम 3D में जाके देखते हैं कि किस हिसाब से प्रोसेस हुआ है हमारा, ठीक है। देख लिया आपने, अब 3D व्यूज देखा आपने कितना इजी है, आपने वॉल क्रिएट किया और आपको 3D बना के दे दिया। और जब हम एलिवेशन काटेंगे वो तो बिल्कुल ईजी है, सारी चीज एलिवेशन सेक्शन एक क्लिक पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम अपने हिसाब से शिफ्ट प्रेस करेंगे, और माउस की जो हमारा ये कर्सर वाली जो अप डाउन होता है उसको आप प्रेस कीजिएगा, प्रेस करके आप जिधर आप लोकेशन करोगे उस हिसाब से आप कर पाओगे, ठीक है। देख रहे हैं, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। उम्मीद करता हूं आप लोग आज वॉल क्रिएट करना सीख गया होगा, किस हिसाब से वॉल क्रिएट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।